नमस्कार दोस्तों, अगर आप सिनेमा लवर हैं तो एसएस राजा मौली की आरआरआर का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, जिसमें आप भी हैं दोस्तों। तो आपको एक अपडेट दे दूं दोस्तों, अभी अभी अपडेट आई है। आपको बता दूं कि ये फिल्म जो 13 अक्टूबर 2021 को यानी इसी साल जो रिलीज होने वाली थी, अब वो पोस्टपोन हो गई है दोस्तों। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि अभी पूरे तरीके से पूरे देश में थिएटर नहीं खुले हैं, इसी कारण डायरेक्टर रिस्क नहीं ले रहे हैं इसको सिनेमा घर में रिलीज करने का। इसलिए बड़ी बड़ी फिल्में जिनमें आरआर भी है, ये रिलीज होगी दोस्तों अगले साल। तो अपडेट ये है दोस्तों, रिलीज डेट की बात करूँ तो 26 जनवरी या तो अप्रैल में रिलीज करने की बात मेक्रो द्वारा ये कंफर्म किया गया है। आरआरआर बहुत बड़ी फिल्म है दोस्तों, तो ये तरीके से जब ही लागू होगा, जब ही पूरे देश में इसको रिलीज किया जा सकता है, जब पूरे देश में थिएटर खुल जाएंगे, इसलिए मेकर रिस्क नहीं ले रहे हैं। ताकि अभी बड़े महाराष्ट्र की बात करूं या अन्य कुछ राज्य की बात करूं, वहां केरला की बात करूं, तो वहां थिएटर बंद है, जहां इनको अपने बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो सकता है। आरआरआर दोस्तों एसएस राजा मौली की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होने वाली है, जिसमें आपको बता दूँ कि स्टार कास्ट में आपको नज़र आएंगे रामचरण, जूनियर एनटीआर, अजय देवगन और आलिया भट्ट। पूरी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, गाने भी इसके आ चुके हैं, इसलिए रिलीज होना सिर्फ बाकी है। इसीलिए मेकर्स ये रिस्क नहीं ले रहे हैं, इसलिए पोस्टपोन लगातार होती रह रही है। फिर बात करूँ, आप बड़े बड़े फिल्में उठा के देख लीजिए, केजीएफ भी पोस्टपोन हुई है दोस्तों अगले साल के लिए, 14 अप्रैल को वो रिलीज होगी। उसी तरीके से इसको भी कहा जा रहा है कि या तो जनवरी में, या तो अप्रैल में, या तो आगे उसके भी बढ़ सकती है। तो जैसे ही अपडेट कोई नई निकल के आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी अपडेट फिलहाल ये है कि जो 13 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, अब वो रिलीज नहीं होगी। अब ये 26 जनवरी या अगले साल 2022 में 26 जनवरी या अप्रैल में रिलीज होती हुई नजर आएगी।